आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आप सभी को सादर जय हिंदू राष्ट्र। मैं मुन्ना कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। आप सबको ज्ञात है कि पूज्य संत राम रहीम जी और आसाराम बापू जी दोनों को फर्जी मुकदमों में जेल में बंद कर दिया गया है, और सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं है कि इन संतों की रिहाई हो, इनको जेल से बाहर किया जाए। तो जन अधिकार मोर्चा और अखिल भारत हिंदू महासभा कुछ संगठनों को साथ लेकर के संतों की रिहाई को लेकर आंदोलन चला रहा है। तो उसी आंदोलन का एक हिस्सा है कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ये ज्ञापन दिया जा रहा है संतों की रिहाई को लेकर, और उसके लिए हस्ताक्षर अभियान का श्री गणेश किया जा रहा है। तो ये आप सबको पता है कि संतों का कितना बड़ा योगदान है हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए। इन्होंने हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर किया। इनके द्वारा कई तरह के मानवता के कार्य किए जाते थे। हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई अभियान चलाए जाते थे इनके द्वारा। गौ रक्षा का अभियान, संतों की रक्षा का अभियान, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की हत्या का अभियान, युवाओं में हिंदू राष्ट्र भरने का अभियान, माताओं बहनों में हिंदू राष्ट्र की भावना लाने का अभियान, इस तरह से कई बड़े बड़े अभियान श्री आसाराम बापू और राम रहीम जी के द्वारा लाया गया था। परंतु इनकी लोकप्रियता को देखकर और करोड़ों लोग इनसे जुड़े हुए थे, इनसे राजनैतिक पार्टियों को ईर्ष्या शुरू हो गई और राजनैतिक पार्टियों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया। फर्जी मुकदमों में पहले आसाराम बापू जी को फंसाया गया, उनके पुत्र को फंसाया गया, फिर राम रहीम जी को फंसाया गया, और इनको ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया गया कि इनकी रिहाई कभी ना हो सके। जो उनके भक्त हैं आसाराम बापू जी के और राम रहीम जी के, वो भक्त इनकी रिहाई को लेकर बहुत चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि गुरु जी आएँ और हिंदुत्व का प्रचार करें, हिंदू धर्म की रक्षा करें, भक्तों की रक्षा करें। और इसके लिए जन अधिकार मोर्चा और अखिल भारत हिंदू महासभा और कई संगठन, आस्था माँ हैं, महाराज जी हैं, संजय जी महाराज, आप अमृता जी हैं, ऐसे कई संगठन हैं जो इसमें सहयोग दे करके इस हस्ताक्षर अभियान को, इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ा रही है। और राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्य सरकारों पर ये दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है कि हिंदू धर्म का पताका लहराने वाले पूज्य संतों की रिहाई शीघ्र हो जाए, अन्यथा पूरे देश में व्यापक आंदोलन चलेगा, जनता सड़क पर आ जाएगी और फिर सरकार को इस आंदोलन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी राम रहीम जी को और आसाराम बापू जी को रिहा करें, संतों का सहयोग करें, संतों के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है उस षड्यंत्र को दूर करें, हिंदू संस्कृति के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है उस षड्यंत्र को समाप्त किया जाए और अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, यदि हमारा धर्म सुरक्षित है तो आप और हम सब सुरक्षित हैं, लेकिन धर्म नहीं बचेगा तो हम शरण में किसकी जाएंगे। तो मेरा यही कहना है समस्त जन समाज से, समस्त प्रशासन से, सभी लोगों से कि धर्मो रक्षति रक्षता। और गीता में भी भगवान ने कह दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि हम। अगर अन्याय हुआ है तो न्याय जरूर मिलना चाहिए, न्याय के लिए हम गुहार लगाते हैं, और न्याय की बिल्कुल निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ एक राष्ट्र से धर्म का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन एक धर्म से पूरे राष्ट्र का सुरक्षित और अच्छा निर्माण हो सकता है। आप सभी को जय श्री राम, राधे श्याम। पहली बात तो मैं, मुन्ना भैया ने जो बोला, जितनी बातें बोली,
एक एक बात से सहमत हूँ। और मैं दाद मतलब एक बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ राजेश भाई का, जो मतलब कितने सालों से लगे हैं, कितने सालों से ये अभियान के लिए लगे हैं कि भाई किसी तरह संत बाहर आने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग, वो आज अभी बहन जी बोल रही थी और भी मेरे भाई बोल रहे थे, मैं सबसे बड़ी बात एक कहना चाहती हूँ, इनके कहने से, इनके करने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा चार लोगों के कहने से, जब तक एकजुटता नहीं होगी। आज आप बताओ जितने भी लोग आए हैं, कितने पैसे वाले हैं बेचारे, कितने लोग हैं, अपना कमाते हैं, सुबह कमाते हैं, रात को खाने वाले हैं। यहाँ पर जो बापूजी की संपत्ति, बापूजी के पैसे, दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों संतों की, यहाँ पर नाग बनकर लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। आज बापूजी की रिहाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? सिर्फ और सिर्फ वो जयचंदों की वजह से नहीं हो रही, जो साफ बनकर जो नहीं चाहते कि बापूजी और राम रहीम जी बाहर आए, क्योंकि उनके काम धंधे बंद होते हैं। मुझे यहाँ तक पता है कि जब हमारे बापूजी ने लोगों को करोड़ों रुपए, मैं नाम नहीं लेना चाहती मीडिया में, पर मुझे पता है करोड़ों रुपए ब्याज पे दिए थे, और वो लोग नहीं चाहेंगे कि बापूजी बाहर निकल के उनसे हिसाब मांगे। और आपके चार लोगों से करने से, चार मीडिया वालों के आने से भाई कुछ नहीं होगा। मैं सत्य बोलती हूँ, इसलिए मैं बुरी लगती हूँ सबको, मैं गलत नहीं बोलती। जब तक यहाँ पर मारने मरने की बात नहीं होगी, तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। जाकर चार आज भवन के सामने खड़े हो जाओ मिट्टी का तेल डालकर, मैं बता दूँ आपको शाम को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी कहावतें करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ धरातल पर लड़ना पड़ेगा, करेंगे, बापूजी को चाहने वाले करेंगे, बापूजी से प्यार करने वाले करेंगे, राम रहीम से प्यार करने वाले करेंगे। हमने पोस्टर फाड़ा, आज कितने साल हो गए जब पोस्टर फाड़ा था हमने, जो आपने देखा आश्रम फिल्म का, कितने साल हो गए। भैया की मैं हिम्मत की दाद देती हूँ कि ये वो इंसान है जो लगातार लगातार कितने साल से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, हर प्रोग्राम में मैं इनके आती हूँ, ये मुझे बुलाते हैं। भाई एक बंदे के करने से अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर ये आते हैं, बच्चे किसी के पास नहीं रह पाते, फिर भी उसके बावजूद लगे हुए हैं कि राम रहीम जी बाहर आ जाएं, आसाराम बापू बाहर आ जाएं। पर क्या इनके अकेले के करने से होगा? क्या आज भीड़ को नहीं पता था? क्या और लोगों को नहीं पता था कि आज राजेश जी ने और मुन्ना भाई जी ने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है? लोगों के पास टाइम ही नहीं है, हम चार लोग क्या करेंगे बताओ? आपको मैडम लगता है सूद पे पैसा देना गलत है? अभी आपने कहा ब्याज पे पैसा दिया, ये उसी का? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी का है, बिल्कुल दिया है करोड़ों रुपए। देखिए आप जो मर्जी कहें, चाहे वो उन्होंने सूद पे दिया, चाहे अपना भाईचारा समझते दिया, ठीक, भाईचारा समझते दिया उन्होंने कि आप यूज कर लो मेरा पैसा, ऐसे ही समझ लो, चलो ठीक। किसी किसी ने भी दिया बाप, तो लेते हैं ना, देते हैं किसी, भैया किसी ने भी दिया। सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आसाराम जी जब कथा वाचक थे और कथा सुनाते थे, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की भीड़ हुआ करती थी। सुनिए, आज नहीं है ऐसा। सुनिए, आज बागेश्वर धाम सरकार, आप देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, लाखों की भीड़ आ रही है। आपको क्या लगता है ये लाखों की भीड़ तब नहीं थी बापूजी के टाइम पे? इससे दुगनी भीड़ थी। आज वो भीड़ कहाँ है? आज वो भीड़ अगर इकट्ठी हो जाए, अगर शाम से पहले बापूजी बाहर ना आ जाए, तो मेरा नाम बदल देना। तो क्या लगता है आपको ये हस्ताक्षर अभियान आपका कामयाब होगा? बिल्कुल होगा, अगर मिल के करेंगे और लोग जुड़ेंगे तो कामयाब होगा। भैया वो कहते हैं ना कि छोटा छोटा करने से बड़ा हो जाता है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये मैं हिम्मत यहाँ देख रही हूँ, मैं शुरू से देख रही हूँ भाई को हिम्मत करते हुए। ये बहनें लगी हुई हैं, किसके लिए लगी हुई हैं? अगर इन बहनों की तरह सारी बहनें जाग जाएं, तो आज शाम को बापूजी जेल से बाहर होंगे, ये मैं आपको बता दूं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।